हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पना संक्रांति है, आप सबको पना संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी दिन का 10 बज चुका है, मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आ चुकी हूँ। आदि ना कैमरा लेना भूल गया था तो कुछ शूट ही नहीं कर पाई। और घर आ गई हूँ, घर में जा रही हूँ किचन में, पहले किचन में जाऊँ। और ये देखिए मेरा पीठा बन रहा है, और सुबह आज मैंने, और यहाँ पे देखिए मेरा मिक्स वेज बन रहा है। और यहाँ पे खुशी देखिए क्या कर रही है, नहा के आ गई है आज, और तालाब में आ गई है नहा के। और क्या कर रही है, हाँ तो क्या कर रही है, मोबाइल देख रहा हूँ। मोबाइल देख रहे आज कुछ भी लगा रही, मतलब मैंने नहीं थी, मंदिर गई थी और बाल नहीं बनाई, और उसको काला टिक्का वगैरह कुछ भी नहीं लगा दी। अभी जा रही हूँ, उसको रेडी करूँगी और फिर उसके बाद चावल लगाएंगे, गैस पर चावल चढ़ा के जो काम करना है करूँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर बाद। और वैसे भी आज पना संक्रांति के दिन वो यहाँ पर जो गांव है ना हरापुर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम, क्या 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 इवेंट हो रहा है पता नहीं, मैं चाहूँगी तो वो सब कवर करके आपको देंगे। तो फिर मिलते हैं कुछ देर बाद फ्रेंड्स। अभी दिन का 2 बज गया है, मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो हरापुर जो गांव है जहाँ पर मंगलामुख की पूजा होती है पना संक्रांति के दिन, मैं वहाँ आ गई हूँ और डायरेक्टली सीधा मंदिर में आई हूँ। देखिए यहाँ पर कितना सारा पना बन रही है बहुत सारे श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर रस्म है कि पना संक्रांति में जो 3 दिन चलता है जो पूजा समारोह, उसी में डायरेक्टली कुछ श्रद्धालु इन्वॉल्व होते हैं। माना जाता है कि उनके शरीर में माता हैवी हो जाती है, तो वही कुछ लोग यहाँ पर मंदिर में बैठे हैं। देखिए यहाँ पर हवन भी चल रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे ही रिचुअल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं भी ये सब पहली बार ही देख रही हूँ और आपको ये सब दिखा रही हूँ।
इसी तरह कुछ देर के बाद ना सारे जो श्रद्धालु होते हैं जो मंदिर में बैठे थे वो वहाँ से निकलकर मंदिर के बाहर एक बड़ा ही पीपल का ट्री होता है, वहीं पीपल नहीं ये बनियान ट्री है, और उसी के नीचे सब आ जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है ना, जो जिसके ऊपर डायरेक्टली माता उस पर हैवी है उसी के वही देखे यहाँ पर खड़े हैं, और सारे श्रद्धालु यहाँ पर इसे इस तरह अधिया पढ़ते हैं। और इसके बाद ये सब ब्रह्मा पाते हुए यहाँ पर देखिए इतना सारे ट्रक्स यहाँ पर बने हैं, और सब में सब ट्रक्स के अंदर आग है और राख है, उसी पर ये सब चलेंगे। आप खुद ही देखिए ये कितना मतलब बहुत ही निराला ये जो रिचुअल्स है। वो मंदिर के परिक्रमा के बाद वो सारे श्रद्धालु आ जाते हैं मंदिर के फ्रंट में। एक छोटा सा मंदिर है, ये शायद रामदेव जी का है पता नहीं, उसी के यहाँ पर आके उसी मंदिर में वो फिर अध्याय पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी परिक्रमा करते हैं सात बार परिक्रमा करने के बाद ये सब लोग माता के निर्देश के अनुसार डायरेक्टली जाते हैं पास के एक तालाब में, वहाँ पर ये लोग डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो सब श्रद्धालु हैं वो जो तालाब के पास गए थे डुबकी लगाने, वो सब अब डुबकी लगा के यहाँ पर नंगे पांव वापस मंदिर तक आ चुके हैं, और यहाँ पे उनको वेलकम किया जाता है नया वस्त्र बिछा के। कुछ श्रद्धालु और कुछ मन्नतधारी यहाँ पर कुछ कपड़े बिछाते हैं, उस पर वो चढ़ के जाते हैं। ये माना जाता है कि ये कपड़ा उनके लिए बहुत ही शुभ है, जैसे हमारे गाँव में होता था, तो ये भी वैसा ही एक रिचुअल है। और आप यहाँ पर इनका मतलब किस तरह ये माता इन पर हैवी होती है और ये लोग किस तरह नाच नाच के जा रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। बात एक्चुअली वो जो पूरा का रस्म है, एक्चुअली मेन रस्म तो यहीं पर ही स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से ये लोग डायरेक्टली जाते हैं वो जो ट्रैक के पास मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लिप में दिखाया था, उसके अंदर सब आग बिछाया जाता है, राख बिछाया जाता है, उसी पर ये डायरेक्टली जाके चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सब चल भी रहे हैं, इसी तरह ये लोग सात बार इस ट्रैक में चलते हैं, इसी आग में चलते रहते हैं सात बार, और हर लाइन के एंड में एक छोटा सा पूल होता है, वहाँ पर पानी रखा जाता है, वो पानी वो आग से आते हैं और फिर वही पानी में थोड़ा पैर डुबो देते हैं, फिर उस आग में चलते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस सात बार होने के बाद ही ये पूजा बिल्कुल कंप्लीट होता है। और भी यहाँ पर देखिए कुछ लोगों की मन्नत होती है, वो अपने बच्चों को गोद में लेके भी चलते हैं, ये भी और एक तरह का मतलब रस्म है।
और इसी के साथ यहाँ पर पना संक्रांति का टोटल रिचुअल यहीं पर समाप्त होता है। को प्रोवाइड किया जाता है, बहुत बड़ा बनाया जाता है, मतलब जो भी आते हैं श्रद्धालु सबको यहाँ पर मिलता है। और उसके बाद वो यहाँ पर लंच भी बनाते हैं, प्रसाद भी मंदिर में बनाया गया जाता है, वही चावल और वही वाइट राइस और डालमा और आम का खट्टा बनाया गया है, वो भी सबको मिलता है। सब लोग गांव वाले और जितने भी श्रद्धालु हैं, मतलब जो भी बाहर से आता है उसको वो ये प्रसाद मिलता है, वो लोग खाने के बाद ही जाते हैं। इसी के साथ पन्ना संक्रांति और महाविषुव संक्रांति का टोटल रिचुअल यहाँ पर समाप्त होता है। इसी तरह उड़ीसा में बहुत जगह में इस तरह ही बनाया जाता है। और हाँ, एक बात और, वो जो आग में चलते हैं, एक्चुअली उसको हम उड़िया में कहते हैं झामू यात्रा, इसको झामू यात्रा कहते हैं। और मेले की मतलब मंदिर के पास इस गांव के, तो वही इवेंट अभी हो रहा है और आपको भी वही लेके चलती हूँ। और रात का अभी 11 बज चुका है, तो यही सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रात के 11 बजे मैं कहाँ निकल के जा रही हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वो सबके बाद वो रात को 10 या 11 बजे यहाँ पर शुरू होता है, कहीं पर मेलोडी होता है और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा आती है। और इस साल यहाँ पर क्या छोटे बच्चों के लिए रामलीला यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और हमें अपने यहाँ पे रुक के घर जा रही हूँ, और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी यही ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपके साथ और एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू बॉबी, जय जगन्नाथ।